Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हिंदुस्तान का 3/4 हिस्सा इन दिनों मानसून के आगे सरेंडर है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट दिया गया है। सुनिए, अभी अगर मौसम का स्थिति के बारे में बात करें तो हमारा जो मेन वेदर सिस्टम्स है, एक आपका एक लो प्रेशर बन चुकी है आपका नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। ये सिस्टम जो है धीरे धीरे अक्रॉस पेनिनसुलर इंडिया सेंट्रल इंडिया जाने की उम्मीद है और बहुत फीबल है। और एक जो सिस्टम है आपका शियर जोन है जो आपका सेंट्रल इंडिया के ऊपर से जा रही है और वेस्ट कोस्ट में हमारा ऑफशोर ट्रफ है। इन सभी सिस्टम्स के कारण अभी वेस्ट कोस्ट बहुत एक्टिव रहेगी। आपका गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दिस कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, इन सभी जगह अब आज और कल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी, यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है, जिसके चलते हमने रेड अलर्ट जारी किए हैं पूरा वेस्ट कोस्ट में। बाकी अगर रीजन्स का बात करें तो आपका आप देखेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया, खासकर आपका मध्य प्रदेश और तेलंगाना, विदर्भा, साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी में आपका अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। एक लो प्रेशर के कारण से आपका थोड़ा सा बारिश उड़ीसा में रहेगी ज़्यादा, मगर आगे फिर थोड़ा घट जाएगी। एक और लो प्रेशर बनने की संभावना है, जैसे आपका डे 5 यानी कि आपका 19-20 तारीख तक, जिसके कारण से दोबारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। वेस्ट कोस्ट का ये जो बारिश का बात बताया, ये जारी रहेगी अगले 4 से 5 दिन तक, यानी कि वेरी हैवी से लेके एक्सट्रीमली हैवी बारिश चलती रहेगी अगले 4 से 5 दिन। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो अभी बारिश आज कुछ खास नहीं है, मगर कल थोड़ा परसों से थोड़ा उत्तराखंड में बारिश बढ़ने की संभावना है। हम वेरी हैवी रेनफॉल का चेतावनी जारी कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए और बाकी पूरा देश में, नॉर्थ ईस्ट में खास बारिश होने की संभावना नहीं है, बहुत लाइट टाइप का ही बारिश रहेगी। तो यानी कि नॉर्थ का अगर बात करें तो 17-18 तारीख को वेरी हैवी होने की पॉसिबिलिटी है उत्तराखंड में, हैवी रेनफॉल भी होने का पॉसिबिलिटी है प्लेन्स में, और वेस्ट कोस्ट में 4 से 5 दिन तक वेरी हैवी से लेके एक्सट्रीमली हैवी बारिश रहेगी और रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट में ही वेस्ट कोस्ट चलेगा। और ईस्ट इंडिया आपका आज के बाद थोड़ा सा कम होके उसके बाद दोबारा आपका 19-20 तारीख तक फिर से बारिश काफ़ी बढ़ने की संभावना है। देखिए, ये जो बारिश हो रही है अभी पूरा नॉर्थ इंडिया में, मानसून ट्रफ काफ़ी सक्रिय है इसके कारण से, जिसके लिए आपका ईस्टर्ली विंड्स आ रही है और हमारा भारी से अति भारी वर्षा आपका ईस्ट राजस्थान तक होने की संभावना है। तो दिल्ली जो आती है, दिल्ली में इतना लोकल स्केल में अभी हम बहुत ज़्यादा भारी वर्षा का चेतावनी नहीं जारी कर रहे हैं। हम अभी आज के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन का ही दिए हैं और उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिन तक इससे ज़्यादा अभी बारिश होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर जैसे बताया कि ये लोकलाइज्ड बारिश है, जिसके चलते हमारा उम्मीद है कि अगर बारिश का स्थिति बढ़ेगा तो हम इमीडिएटली उसको नाउकास्ट स्केल में कवर करेंगे, यानी 2 से 3 घंटे के चेतावनी ज़रूर रहेगा।